बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने 51 राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित किया। आज इस सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आप सबकी उपस्थिति से मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और उसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि हम 2 वर्ष के अंतराल के बाद आज हम मिल रहे हैं। नवंबर 2019 में आयोजित पिछले राज्यपाल सम्मेलन के बाद नियुक्त हुए सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों को भी मैं बधाई देता हूँ। इसी दौरान राज्यपाल के रूप में हम सबके सहयोगी रह चुके श्री कल्याण सिंह जी, श्री लालजी टंडन और श्रीमती मृदुला सिन्हा जैसे मूर्धन्य जन सेवक अब हमारे बीच नहीं रहे। सार्वजनिक जीवन में अपने योगदान और व्यक्तित्व से राज्यपाल के पद को विशेष गौरव प्रदान करने वाली इन सभी विभूतियों का मैं सादर स्मरण करता हूँ। कोविड की महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाया गया। हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं आज विभिन्न जगहों पर छठ पूजा हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। महानगर दिल्ली के लक्ष्मीनगर मंदावली प्रसिद्ध I2 छठ जमुना घाट की नदी के ऊपर लोग रोहिणी, बजनपुरा, गीता कॉलोनी, रामेश नगर, कीर्ति नगर, मायापुरी, पलम, नाडेला भवन, बाराकी सहित जनपद छठ व्रत उल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। कहीं से भी किसी भी तरह की वारदात की खबर नहीं हुई। महानगर दिल्ली पुलिस ने शांति पूर्वक सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखा। यही जमुना किनारे आईटीओ घाट है जहाँ पे अनुमति नहीं दी गई छठ पूजा करने की, ठीक उसके ऊपर ये ऑडिटोरियम है। दिल्ली में धूमधाम से छठ पर्व हुआ संपन्न। दिल्ली में इस बार धूमधाम से छठ पूजा संपन्न हुआ और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर के तमाम उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा विधायकों ने सूर्य देवता को जल अर्पित किया। छठी मैया से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सबके घर में खूब खुशियां, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, आपके घर में खूब बरकत हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें छठी मैया। अभी हम सब दिल्ली वालों ने मिलके कोरोना पे काबू पाया है, कोरोना बड़ी। आज पूरे महानगर दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ था। इस कारण छठ पूजा के उदय मानसून भी काफ़ी देर से प्रकट हुआ। आज 8 बजे सूर्य भगवान का उदय हुआ तब जाकर छठ व्रतियों ने हर्ष देकर छठ का समापन किया। जमुना जी की गंदगी और प्रदूषण का भर्ती स्थल बाहर दिल्ली NCR में प्रकाश में ढूंढने में लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हुई। पूरा वातावरण धुंध से भरा हुआ था।
तरह से आज उदयमान सूर्य को जल देने का, अर्घ देने का काम प्रारंभ हो चुका है। 6 बजने को हैं और सूर्य देवता अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। अब थोड़ी देर यानी कि 6:30-7 बजे तक सूर्य देवता उदयमान होंगे और करोड़ों छठ व्रतियों के द्वारा उन्हें विभिन्न तरीकों से अर्घ देकर छठ पूजा का समापन होगा। मैं अभी मंडावली में वाटिका में जो छठ पूजा हो रही है वहां से मैं आप सबों को लाइव दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ। और सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चौकस है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त के निर्देश पर तमाम जगहों पर काफी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत भी दिख रही है। कोरोना गाइडलाइन का पालन भी हो रहा, मैंने कल भी दिखाया था। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है यह घाट, मंडावली स्थित छठ घाट जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ मुस्लिम भाइयों ने भी घाट के निर्माण में काफी सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है? पानी आ गया? बहुत बहुत बधाई हो मोदी साहब। बहुत बढ़िया चीज। उदीयमान सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ शांतिपूर्ण वातावरण में महानगर दिल्ली NCR में संपन्न हुआ। ITO घाट पर बने कृत्रिम तालाब अनुमान स्थान पर छठ व्रतियों ने काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसके अलावा मंडावली जी लक्ष्मी नगर में अवस्थित वहां पे धूमधाम से सुबह से छठ व्रतियों ने पवित्र जल में खड़े होकर भगवान भास्कर को प्रदान किया। पूरी तरह से छठ में माहौल बना हुआ था। इसके साथ ही लोग छठ का आनंद ले रहे थे। लोक आस्था के महापर्व छठ की धूम बिहार समेत देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही। हर आम और खास महापर्व को अपने अंदाज में लोग मना रहे हैं। ये सभी अपना मास्क का ध्यान रखे, जिससे मास्क नहीं होगा उसे बाहर निकाल देंगे हमारे सिविल डिफेंस के जवान। और ये खास तौर पे महिलाएं, किसी के मुंह पे मास्क नहीं है। अगर आप छठ की पूजा पे आए हैं तो थोड़ा ध्यान धरे। अगर आप चाहते हैं बाहर निकलना तो आप ऐसे बाहर निकाल दिए जाएंगे। अब बार बार बोलने पर भी समझ में नहीं आ रहा आपके। अब की बार अगर किसी के मुंह पे मास्क नहीं हुआ हमारे सिविल डिफेंस के जवान जो है बाहर निकाल देंगे बिल्कुल। और हो सकता है आपका 2000 का चलान भी हो जाए बीच में ही। और ये थोड़ा सा ये ज्यादा जो खड़े हैं ये या तो बैठ जाएं और जगा दें इनको।